तो राम राम जी, कैसे हो आप सब? भाई स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी देर हो गई हमें उठे हुए, और उठने के बाद हमने जो रात एडिटिंग कर ली थी भाई, उसको लगा दिया अपलोडिंग पे, जो कि वीडियो आप आज शाम को देख लोगे। ठीक है, तो अभी टाइम की बात करें, कितने बज रहे हैं? तो भाई सवा आठ, सवा है, सवा आठ, सवा नौ बता रहे हो, सवा आठ बज रहा है। 7 बजे तो, 7:45 तो उठ गए थे भाई, 8:15 बज रहे हैं भाई, इसको करते हैं अपलोड। और अमित भाई तो देखो कम्बल में से निकले भी ना है अभी तो। हम अमित भाई ने भाई दूध ला के एक बार चाय बना ली है ना, मैं सो रहा था, अमित भाई जब तक जाके दूध ले भी आए थे, तो ये वाली बात है। बाकी किसी का फोन आ रहा तो है भाई फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, नहा धो के एकदम बढ़िया फ्रेश, डीओ वीओ परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के और राजा बाबू बन के, और हमारा भाई ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है। भैया इतने कुछ देखिए, बड़े बलू के लगे लो भैया, ला दे दे हाथ काम आते। तो ये बनाइए भैया अपनी चाय, ये गरम हो गई करनी चल रही ब्रेड, है मक्खन मक्खन है ना, इन्हें सेक तो लो, कच्ची कच्ची ब्रेड मत ले खाओ। यार, जली ले रही। अरे हल्की हल्की सेक लो यार, मतलब बिल्कुल कच्ची ब्रेड जाए। कितने दे दो? छह मैं था पूरी पैकेट में ही खाऊंगा, तुम मत खाना। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट कर देते हैं, मैं भाई तैयार करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, है ना। काम वाम तो चल ही रहा है, अब आप 5-6 दिन से काम ही काम देख रहे हो, तो वो तो चलता ही रहेगा, जीवन भर काम ही काम होता है। तो आज सोच रहे हैं आज कहीं चलें भाई, बहुत दिनों से प्लानिंग है, एक बैग लेना है इस तरह का, ये वाला, ठीक है। और साथ में यार एक दो शर्ट वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी सी आने वाली है, जैकेट का टाइम जा रहा है। तो यही शर्ट आप 2 साल से देख रहे हो, 1-1.5 साल से, तो मेरे को बदल लेते हैं भाई, एक दो शर्ट है ना, कैमरे पर अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा राजा बाबू बन जाते हैं। तो ये वाला विचार चल रहा है, बाकी अमित जी जो करवाएंगे वही होगा भाई। तो ओ भाई 3 ब्रेड एक संग सेकोगे तो जलेंगी, ये देख लो, देख रहे हो, तरू पर, तरू पर। वाह भैया वाह, भाई अपना आ चुका है ब्रेकफास्ट, ठीक है। और टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, 12 के करीब बज गए वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग में। अपलोडिंग यार स्पीड बहुत कम आती है यार, बहुत स्लो स्पीड आती है, इसलिए यहाँ बहुत समय लग जाता है प्रोसेस होने को उसमें। ओहो अमित जी ब्रेड ये ले आए हैं, सॉस सुमित जी मैंने आपके लिए भी रख ले दिया। आए। तो भाई फटाफट से करते हैं अमित जी के हाथों के द्वारा बनाया गया अपना नाश्ता, नाश्ता बनी बनी तो चाय, और तो सब बनो बनाया हुआ पकवान नाट्टा। तो भाई ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ जो भी था यही था। अमित भाई के कपड़े सूख रहे हैं, तो बढ़िया धूप आ रखी है, देखना मस्त एकदम, सामने पार्क है ये भाई। अब निकलते हैं, निकले अमित जी, ये क्या करना है? अच्छा तैयार हो रहे हो, आप आदेश कर दो। चलो ये गेट बंद कर देते हैं, फिर चल ही जाए, और क्या है भाई। फाइनली आ गए हैं अपनी जो है गाड़ी के अंदर, धन्नो के अंदर, और अब निकलते हैं यहाँ से। अरे वाह, 112 किलोमीटर में 18 का माइलेज, अमित जी ने रोला काट रखा भाई से माइलेज के मामले में। सही है, अब स्टार्ट कर लो, जा 2 मिनट को सही हो रखे हैं, बेल्ट लगा लूंगा, सोसाइटी तो निकल लो, पहले ही बेल्ट पहन लू है, खुद ने तो बेल्ट लगा ली। अरे लगा ली, अच्छा इसीलिए बोला है आज, खुद ने लगा ली है ना, कि तूने नहीं लगाई, चल तू लगा, इसलिए टोका गया है ये। ओके, अगर मैं आपके कहने पे सही चलता हूँ तो आप ये वाली बात है। अरे ये सामने वाली बिल्डिंग तो बिल्कुल ही बेकार है, देखना कौन सी है, पता ही नहीं है, नाम ही नहीं पता इसका तो, बिल्कुल सीलन खा खा के छज्जे गिराव रखे है इसके, तो नई बिल्डिंग है, बिल्कुल ही बेकार है यार। पता ना भाई, सबको पैसा चाहिए, पैसा सीधा हो जाए बस, मेटीरियल सारा खराब खराब लगाते रहो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सीन है भाई, तो अब चल रहे भाई, एक मॉल है यहाँ उस पे चल रहा है, वहां कुछ मिलेगा तो वहां से कुछ लेते हैं भाई अब, है ना। फाइनली आज देखते हैं, कुछ शॉपिंग का प्रयास करते हैं, कुछ मिल जाता है तो ठीक है। हम आ चुके हैं अपने मॉल के पास में, और मैं बता दूं अभी हमें एक काम था जिसके लिए हम गए थे, वो शूट नहीं किया, मैंने कहा काम 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 आपको क्यों बेकार में बोर करें, तो वहां पर हमें लग गया भाई 1-1.5 घंटा करीब। मैं टाइम ही दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो 2:30 बज गया। तो यहाँ SVP बिल्डर है, उनके ऑफिस गए थे हम, तो वहां से काम निपटा के अभी आए हैं। और ये है अपना KW Delhi 6 मॉल, ये देख रहा है, इसमें चलते हैं अंदर, इसको देखते हैं भाई कैसा है, ये नया ही है तो ये कभी देखा नहीं है अपन लोगों ने, तो अमित जी आगे से यूटर्न लेके आया जाएगा। तो ये है अमित जी, इसमें एंट्री करनी है, यही है, अरे आगे है, सोसाइटी में थोड़ी जाना हूँ मैं, आगे भाई वो देखा तो था मैं, मोटर मोटर देख रहा हूँ, मोटर मोटर का क्या करोगे, वो थर्मोस्टेट के लिए यहाँ ना मिलेगा, 1000% नहीं मिलेगा, यही है, लगा दो जी इसमें। पार्किंग किधर है? वैली पार्किंग, एंट्री बना, हाँ एंट्री, ये देख लो भाई, अरे वो है तो बहुत बढ़िया यार, हमें तो भाई खूब लंबा है, खूब बड़ा है, बाहर से रोड पे से तो लग ही नहीं रहा था इतना लंबा चौड़ा, ये देखो भाई सही है,
ऊपर भी देख रहे हैं खूब ऊंचा लंबा चौड़ा बना रखा भाई, फर्स्ट क्लास एकदम रिलायंस स्मार्ट, डोमिनोज, लिवाइस, यूएस पोलो सब है भाई। चलो अपने मतलब की चीज देखते हैं, कुछ मिलती है तो। फाइनली निकले आए अपने मॉल से और हमें ना मिलेगा कुछ भी, सौ की एक बात है ये। क्यों अमित जी? भगवान ही मालिक है, हम ना ले पाएंगे भाई, या तो हमारी औकात से बाहर है। चेन्नई में बहुत बढ़िया था। या फिर दूसरी बात भाई, हम मतलब हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, हमारी सोच खराब है भाई। इतने महंगे बैग, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जो बैग वहां हमें 4200 रुपए में, लगेज बैग की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा मीडियम साइज और एक स्मॉल केबिन साइज, दो बैग मिल रहे थे ना, यहाँ एक मिल रहा है 4200 रुपए में, एक ही था ना वो, है ना, और एक बैग 4100 कुछ का, और यहाँ 4200 सेम ही हो गया यार, 4100 कुछ और 4200 में डिफरेंस ही क्या है। वहाँ दो मिल रहे थे स्काई बैग्स के और हमें महंगे लग रहे थे वहाँ पे, वहाँ हमें महंगे लग रहे थे भाई, लेकिन यहाँ आके अब देखा ना तो सीरियसली वहाँ बहुत सही था कपड़े भाई, वहाँ बहुत सही थे। यहाँ से अगर कंपैरिजन करो तो लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल में से ली थी हमने अमित भाई की शर्ट, लेकिन यहाँ भाई बहुत सीरियसली बहुत महंगा है। मुफ्ती की शर्ट वगैरह यार बेहिसाब महंगी है, बहुत महंगी है यहाँ पे। तो पता नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बेल्ट लगा लूँ कैमरा बंद करके और जैकेट उतार लूँ। अपना जो यहाँ का जो काम था ना आज का, वो तो पूरा हो चुका है, हम उसको खत्म कर चुके हैं और अब यहाँ से जो है ना निकलना है ग्रेटर नोएडा के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में तो भाई किसी मॉल पे ट्राई कर लेंगे, अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, जब फ्री पार्किंग हो, अगर पार्किंग के पैसा लगेंगे तो मैं जाऊंगा ना भैया, सो की बात सुन लो, अगर फ्री पार्किंग होगी मॉल में तो चलेंगे। कहाँ है वो आर्मी है, कहीं भी खड़ी कर देंगे यार। ना यार दूसरी बात भाई ये है कि अमित भाई तो मौज ले रहे हैं, इन्हें शर्ट आ गई ना बकत्ते, इनकी पैरी तो इतना है, आके लेके रख रही है। मैं तुमसे ये गलत ही ले लो, चलो देख के। ये भी है यहाँ पर गौर सिटी मॉल, ये भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हाँ लाइफ स्टाइल भी है इसमें। चलो चल ही रहे यार, यहाँ कहाँ घुमा के लाओ, पार्क करो गाड़ी, तो समय भी बहुत अधिक हो रहा है अमित जी, हाँ इसमें घूमते घूमते हम तो बबरा जाएंगे, हम तो बाबरे हो से हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा हुआ है। ये देखिए सामने जो क्रेटा जा रही है ना, इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको डीमार्ट भी मिल जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आप अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में है तो यहाँ पर आते हैं, जो कि काफी सही चीजें मिल जाती है काफी सस्ते प्राइस में, मैंने ऐसा सुना है। इसका शेयर वेयर भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, क्यों अमित जी? काफी सही चल रहा है वो, बिल्कुल समझ जी, बिल्कुल बढ़िया। ये भैया भाई देखो, शेयर वेयर की तो मैंने वैसे कह दिया है, मुझे ज्ञान ना है, ठीक है, यही वाली बात है। अभी अमित जी के साथ ना घटना घटित हो गई है, गाड़ी चलाते चलाते अमित जी बताएंगे, कभी तो एक्सीलेटर बिल्कुल ही छोड़ दे, कभी बहुत तेज भगाए, मुझे क्या पता, एक चीज होती है उससे काम करना छोड़ दो तो वो थोड़ा सो जाता है, काम कर रहा हूँ, काम कर ही ना रहे हो तो हल्को सा पैर एक जगह रखा होगा तुमने, उसको हिलाते रहते तो ऐसा नहीं होता, ज्यादा हिलाओ ऊपर जी, ज्यादा थोड़ा थोड़ा तो मूवमेंट कराओ ना, एक जगह दवाई चल रही हो तो। यू आर राइट, यस आई एम ऑलवेज राइट। अलीगढ़ 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 सवारी बैठा रहोगे, अलीगढ़ अलीगढ़ भैया यहाँ हमारे बैठा लो ना, यो लो ना, कहाँ ले जा रहे हो, क्या ड्राइविंग कर रहे हो, कहाँ कहाँ आगे से अलीगढ़ तू कितनी क्या रुपए सवारी बैठा रहोगे, बैठा लो, यही काम, यही काम बाकी रह गया है, इसको भी कर लो सवारी बैठा लेने का। अलीगढ़ 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 भाई अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, यहाँ पर अभी हम रुके हैं आपको एक चीज दिखाने के लिए, ठीक है दिखाऊं, ये देखो, ये जो सामने आपको ये लाइट सी नजर आ रही है ना, अगर गौर से देखो तो एक क्रेन व्रेन ये लंबी लंबी दिख रही होंगी आपको, तो यहाँ पर भाई बनने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो यूपी में जेवर के अंदर बनने वाला है, ये लग रहा है बोर्ड, ठीक है, और वहाँ भाई खूब धांसू से काम चल रहा है, खूब जोर से, नीचे देखो ये पाइपलाइन वगैरह पड़नी शुरू हो गई, और ये वहाँ से पूरा रोड गया उधर उधर के लिए जा रहा है, पीछे से निकलता हुआ, और ये हमारे संग लड़े हुए हैं अमित जी, तो यहाँ से भाई एयरपोर्ट बन जाएगा, फिर पता क्या हो करो, नू कर गए नू फाइल फ्लैट आओ करेंगे तो हम वीडियो शूट कर लो करेंगे, यू उड़ो करे तो शूट कर लो करेंगे, अमित जी मौज आ गई, तो जोर है यहीं से बैठ जाओ करेंगे, चेन्नई के लिए और वहाँ के लिए गोवा के लिए, है ना, पर्सनल खरीदो अमित भाई, यहाँ करें मैं तो अपने पर्सनल लूंगा भाई, जगह देख के आयो यहाँ, अच्छा भाई खूब जोर से काम चल रहा है, फोटो में कैमरे में आपको दिख नहीं रहा भाई, समझ नहीं आ रहा, बट खूब तगड़ा चल रहा भाई काम, ये देखो ये क्रेन है, बहुत हल्की हल्की दिख रही होगी आपको, एक ये लंबी सी, एक उसके पीछे लंबी सी,
ये जो है ना क्रेन के ऊपर लाइट चल रही है जो चमकती हुई दिख रही है आपको, ये एयरपोर्ट का काम है भाई यहाँ पे, वो बढ़िया चल रहा है जोर से। अरे सबके दाम बढ़ गए भाई, सब पैसा वाले हो गए आस पास के लोग, ये मान लो तुम। तो ये था भाई मेरे का, आपको दिखा दूं एक बार, यहाँ रुके ही है तो है ना, भविष्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही होने वाला है इंडिया का। तो भाई फाइनली अपन आ चुके हैं अपना जो है जिला अलीगढ़, और चप्पल पर हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं, और फाइनली यहाँ पर अमित जी को लगाई है दोबारा से भूख, सुबह से 8 ब्रेड 3 बार चाय, 6 ब्रेड सुबह से, सुबह 6 बजे से और 5 बजे तक मैंने मात्र 6 ब्रेड खाई, 6 ब्रेड खाई है भाई साहब, और 20 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट जिसमें से कि मैंने 2 बिस्किट खाए थे, एक नमकीन की पैकेट जिसमें से कि थोड़ी सी नमकीन मैंने खाई है, 2 सॉस के पाउच, 3 बार चाय, ये सारी चीजें अमित जी ने अब तक नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी कह लो वो सब किया है, 3 ब्रेड खाई है, थोड़ी सी नमकीन खाई है, और 2 बिस्किट मैंने हाथ से दे, और चाय हाँ मैंने 2.5 कप पी है, 2.5 बार 6 बिस्किट और, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई कुछ खाएंगे, 4:30 बज गए 4:30 बज गए 4:40 हो गई। तो भाई यार दूसरे होटल पर रुकेंगे जिसपे रुकते हैं ना, क्वालिटी है ना उसकी, क्वालिटी यार परसों मजा नहीं आया है ना, उसके थोड़ा दिमाग ज्यादा हाईफाई हो गए क्योंकि भीड़ उस पर बहुत ज्यादा रहने लगी है जी। बिल्कुल बिल्कुल है ना, रोटी भी बढ़िया नहीं थी, मतलब उस दिन ठंडी रोटी बनी हुई रोटी ना गर्म कर करके बार बार वो ही ला रहा था, तो है ना खाना वाना अब दूसरा एक और है उस पर ट्राई करेंगे भाई। ब्रेक पॉइंट आज यहाँ पे रुक के देखते हैं आराम से भैया, सुपर डाल रही है मारुति बारे बड़ी जोत चला बता। अरे अरे ब्रो क्या हो गया, क्या हो गया आज ब्रेक पॉइंट पे, क्या आई है ब्रेक पॉइंट पे, इसलिए भीड़ है आज क्योंकि उधर की औकात सबको पता चल गई। तो ये है भाई इस होटल की व्यवस्था, बट एक चीज बोले तो देखे हैं तो बैठने की जगह है ना वहाँ पर ज्यादा सही है ना, खाने की देखते हैं कैसी है क्वालिटी पता चल जाएगा अभी। अपना शाम का जो है नाश्ता हो चुका है अमित जी का, वेज पकौड़े है ना और चाय। तो ये था भाई, ये है ब्रेक पॉइंट, देखो बैठने की व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है लेकिन खाना ठीक, वो बाकी चीज ठीक थी, चाय वगैरह सब ठीक थी है ना, और पैसे भी ठीक है। हाँ नहीं उसकी तरह नहीं है, अगर आप वीडियो में देख के कोई बोलो कि भाई तो, बट फूड अच्छा था है ना, ये वाले सीन है। अब चले अब और कुछ करना है, दाल रोटी खानी है और खाओ बिल्कुल आओ चलो। अब थोड़ा सा रह गया है अपना जो है घर, आई थिंक शायद घंटा बाद, एक घंटा लगेगा, बाकी नाश्ता वास्ता अमित जी का काफी हैवी हो गया, बढ़िया वाला हो गया है, और वेट कर रहा हूं मैं भाई। दूसरी चीज भाई, चेन्नई से जो है ना हम बीच में से आ गए, वो ट्रिप हमें पूरा करना है, तो वो भाई दिमाग में क्लिक कर रहा है मेरे का, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए वो पीरियड, क्या होगा भाई बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरा वहाँ का काम भी है ना, क्योंकि वहाँ का भी काम हम अधूरा छोड़ के आए थे यहाँ के लिए, तो वहाँ का 1-2 दिन का काम अभी अपना रह रहा है। तो अब ये है कि अब घर जाके शाम को सारी प्लानिंग करते हैं, बैठ के प्लान बनाते हैं कि भाई इसको कैसे कैसे आगे काम करना है जिससे कि भाग दौड़ थोड़ी कम हो जाए है ना, और अच्छे से वीडियो पर भी फोकस कर ले अमित भाई, ये चीज जरूरी है क्योंकि भाई अभी साउथ हम चेन्नई पहुंचे थे, चेन्नई के बाद जो हमारा प्लान था ना वो पूरा अभी तो एज इट इज पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, मतलब डिले हो गया है। तो अभी बहुत सारी जगह आपको दिखानी है यार तमिलनाडु के अंदर, तो उसको देखते हैं जल्दी बनाते हैं, और उससे पहले एक आसपास एक जगह और जाना है तो वहां भी आपको लेके चलेंगे शायद कल चलें है अमित जी। जी बिल्कुल, कल का भी देख लेते हैं, शाम को बनाते हैं प्लान और उसके हिसाब से फिर जो है आपको भी बताते चलेंगे, आप तो देखते ही चलोगे यार, बताते के चलेंगे, आपको तो सारी चीज पता ही है, आपके लिए तो बना ही रहे, आपके लिए तो बना ही रहे, तो आपको तो पता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, घर पहुंचने वाले हैं यार थोड़ी बहुत देर में, लगता है वीडियो को एंड करते हैं, भाई ज्यादा लंबा खींचना बेकार है ना, वीडियो यही था भाई जैसा भी था आज के लिए, पसंद आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही छोड़ देना, और बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।